अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल दाल तड़का बनाने की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनकर तैयार होती है और बनाने में बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल ढाबों में जैसी मिलती है, ये वैसे ही बनकर तैयार होती है। तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 250 ग्राम तूर दाल यानी अरहर की दाल ली है। इसे अच्छे से हमें 2 से 3 पानी से धो लेना है और इसे हमें 15 से 20 मिनट तक हमें इसे भिगोकर साइड में रख देना है। इससे जो दाल का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसी के साथ इसमें हम कुकर में इसे हमारी जो दाल है वो ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप दाल ली थी, इसलिए मैं इसमें 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ। इसमें पानी हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो पानी सीटी के ज़रिए बाहर आ जाता है। 2 कप पानी ऐड कर लेंगे और इसमें 1/4 चम्मच में इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ और इसी में 1/2 टीस्पून में इसमें नमक भी ऐड कर लूँगी। इसी के साथ बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड कर लेंगे और 1 से 2 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स करके हमें कुकर का ढक्कन लगाकर इसे हमें 4 से 5 सीटी आने तक कुक कर लेना है। तो देखिए 4 से 5 सीटी हमारी दाल है वो भी अच्छे से गल चुकी है। अभी इसे चम्मच की मदद से मैश कर लेंगे या आप इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं। अभी एक इसे हम तड़का देना है, इसलिए हम एक बड़ा बर्तन लेंगे और इसमें 1 बड़ा चम्मच में इसमें ऑयल ऐड करूँगी और इसे अच्छे से हमें गर्म होने देना है। इसमें 1/2 टीस्पून में रई ऐड करूँगी यानी सरसों और इसे अच्छे से हमें चटकने देना है। इसी में 1/2 टीस्पून में ज़ीरा ऐड करूँगी और इसे भी अच्छे से हम चटकने देंगे। इसका जो कच्चापन है वो हमें निकलने तक इसे भून लेना है। इसी में 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियाँ ली थी बारीक कट की हुई, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे हमें अच्छे से भून लेना है। इसी के साथ 1 बारीक कटा हुआ प्याज है, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया था, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे अभी हमें अच्छे से सॉफ्ट होने तक भून लेना है। 2 से 3 हरी मिर्ची है बारीक कटी हुई, वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप अपने हिसाब से इसमें तीखा ऐड करें। इन सबको हमें अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमारे जो प्याज है इसका कलर अच्छे से चेंज हो चुका है। अब इसमें 1 बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे और इसे भी हमें अच्छे से भून लेना है। जो टमाटर है हमारे सॉफ्ट होने तक हम इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच में लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ और इसे भी हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है। अब जो हमारी दाल है वो भी हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमारी जो दाल है वो बनकर रेडी है। इसे हमें लो से मीडियम फ्लेम पर रखते हुए 5 से 6 मिनट तक हम इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। तो देखिए हमारी जो दाल है वो बनकर रेडी है। अब इसी में मैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं और इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, हमारी जो दाल है वो बनकर रेडी है। अभी इसका हम एक तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए एक छोटे से बर्तन के अंदर मैंने 2 चम्मच में इसमें देसी घी ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इसमें तेल भी ऐड कर सकते हैं। 2 छोटे चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। इसमें 1/2 टीस्पून में ज़ीरा ऐड कर रही हूँ और इसी में 5 से 6 मैं इसमें कड़ी पत्ता ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से हमें चटकने देना है। दाल है इसमें हम ऐड कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, हमारी जो दाल है वो बनकर रेडी है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। आप इसे चावल के साथ या रोटी के साथ भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल ढाबा में जैसे बनते हैं, ये वैसे ही बनकर तैयार होती है। तो एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई करें।